वही तो ब्लॉगर पढ़ते भी हैं। हाँ यहाँ मेरे बगल पे ब्लॉग बनाते रहे, इनका पढ़ेंगे भी। हमारे लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि ब्लॉगर नल्ले होते हैं, वो कुछ नहीं करते। इंटरनेशनल लॉ सबसे पहले हो गई है आज के ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो नहीं कौन से सेमेस्टर की थर्ड फोर्थ इसमें है तो इसको लेके जा दूँ। तो फिर हम लोग अभी जा रहे हैं कॉलेज की तरफ। आज मैं ड्रेस पहन के इसलिए नहीं जा रही हूँ, क्यों रुक जाओ बताती हूँ, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन चल रहे हैं और मैं इसलिए अभी रुक गई थी क्योंकि सामने से कोई आ रहा था, मतलब हमारे सर, तो मैं उनके सामने ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ। और नदी को देख रहा हूँ, नदी की तरफ देखना ही नहीं, इतना ज़्यादा पानी। पुलिस इसीलिए आ रही है, पुलिस ने आज किसी को, मैंने सुबह सुबह देखा, चक्कर काट रही है। पुलिस किसी को जाने ही नहीं दे रही नदी के किनारे, जो भी जाएगा पुलिस इसे ऐसे गुस्सा कर रही है। कई लोग क्या करते हैं कि जब नदी में बहुत ज़्यादा पानी आता है उसके साथ लकड़ियाँ भी आती हैं, तो कई लोगों ने ये लकड़ियाँ किनारे कर रखी या फिर ये खुद से हो रखी हैं, क्योंकि सब लोग यही करते हैं कि बारिश में के साथ जो भी पानी आता है उससे लकड़ियाँ किनारे करते हैं। ये दुकान है बंद, शायद आज 20 तारीख है शायद, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि अगस्त मुनि 5 तारीख और 20 तारीख को बंद रहता है। कॉलेज को लोग जा रहे हैं लेकिन मार्केट पूरा बंद रहेगा 5 और 20 तारीख को। संडे को नहीं होता, लॉकडाउन के टाइम पे तो हो ही रहा था संडे को, लेकिन आजकल इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी। अरे क्या हाल है? बढ़िया यार, तू बता कहाँ था, गए अब कहाँ रही पढ़ाई लिख गए, यहाँ देखा जा सकल दिखा। वैसे ही तू यार, मतलब ही नहीं 2 साल में। हाँ ठीक है, तो बाय। तो हम लोग जा रहे हैं बीएड कॉलेज की तरफ क्योंकि क्या बोल रहा तू भी आ रहा है क्या? चल रहा, तू भी चल ले, तेरे को पैसे मिल जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारी फीस दे रखी है बीएड में, तो हम लोगों को 1000 रुपये वापस मिलते हैं, मतलब संचाई का मिलती है। और हाँ नहीं ऐसी बात नहीं, मैं छोड़ रही थी इसका नाम मोनिका है, ये नहीं छोड़ रही थी, मैं तो छोड़ रही थी, पर मेरे सारे दोस्त, हाँ वही तो, वो भी हम स्टूडेंट हैं अभी। और अगर हर व्यक्ति ऐसे छोड़ने लगे 1000 रुपए, हाँ। तो सोचो ना कितने पैसे जाएंगे। तो वो हमें 1000 रुपए वापस दे रहे हैं, मतलब अभी नहीं, वो अकाउंट में देंगे, हम आधार कार्ड और अकाउंट की कॉपी देंगे वहाँ। तो हमने इसको भी बहका दिया, हमने कहा चल यार, हमने इसको भी बोल दिया तू भी ले यार वापस। तीनों तो मिली गई लेकिन हमारे एक और मित्र मिल गई। हाय अनुपमा, ए यहाँ भी बोले कुछ। हमारी एक दोस्त और मिली है, उसने हमें और जानकारी दे दी क्योंकि उसने संचाई का ले लिया। वो कह रही है कि फाइनल की मार्कशीट भी चाहिए, मार्कशीट नहीं लेके आए। अच्छा तू नहीं सुन रहा? हाँ भाई, तो फोटो भी नहीं है यार। क्या बोल रहा मेरे रूम तेरे पास बाइक होने का फायदा क्या है? भगवान ऐसे रहता है। नहीं नहीं नहीं, मार्कशीट ले गई यार मैं कुछ दिन पहले, क्योंकि मुझे लगा हमने यहाँ से जाना है, इसी पर बाइक है तो ये छोड़ेगा हमको भगवान ने, इसीलिए तो इसको हमको मिला है अभी। ये यहाँ सर ले, चुप हो जाओ सर। आधार कार्ड नहीं चाहिए, जो ले गए वो नहीं चाहिए। नहीं क्या होगा, फाइनल की मार्कशीट की फोटो कॉपी चाहिए ना, तो लेके आते ना, मैं जाती इसके साथ। बाइक का फायदा तो होना चाहिए कुछ ना, भगवान ने इसलिए तो इसको मिलाया है। तेरे रूम पे लेगा ना, सुनो बाइक का है तो मार्कशीट तो मेरी, मुझे लगता है देहरादून है कि रूम पे है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने कहाँ रखी है, मतलब मेरी फाइल कहाँ होगी वो ध्यान नहीं आ रहा। तो मैं मोनिका के घर भी, मतलब मेरी दोस्त का नाम भी मोनिका ही है, तो मैं उसके घर से मार्कशीट लेके आऊँगी और ये मैं और पंकज जाएंगे, क्योंकि तो वो तब तक फॉर्म भरती रहेगी क्योंकि इतना समय नहीं है, मैं फिर दूसरे कॉलेज में भी जाना है, लाइब्रेरी वगैरह। जा कि हेलमेट मैं लेके जाऊँ, पकड़ रहा है जा, तो वहाँ पुल पे मिलना मेरे को। क्यों भेजिए, जरूरत पड़ सके दे दिया, दे दिया। मेरा उसके यहाँ से तो मैंने ले लिया है सामान, मेरा कैमरा हो गया ख़राब, आप लोगों को ऊपर एक जगह दिखाई दे रहा होगा काला काला पड़ रखा है ना, वो कैमरा ख़राब हो रखा है, और ख़राब कैमरे के साथ ना मन भी नहीं करता ब्लॉग बनाने का। फिर आपको फुल फ्रंट कैमरे से ही बनाना पड़ता है, जबकि मैं फ्रंट से नहीं बनाती थी पहले, लेकिन आजकल बनाना पड़ रहा है। मतलब वैसे ख़राब नहीं हो रखा, साइड में आप लोगों को रेड रेड सा दिखाई दे रहा हो, कुछ धूप सी पड़ रही है, जैसे किरण नहीं पड़ती किसी चीज़ की, वैसे ही पड़ रही होगी। और उसके रूम से तो मैं सामान ले आई हूँ, ये है उसकी पॉलिथीन, इसमें है सामान उसका, मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह। और मेरे रूम पे अब मैं जा रही हूँ, सोच रही थी कहीं मैं देहरादून तो नहीं छोड़ दी अपनी फाइल डॉक्यूमेंट की, क्योंकि मैं लेके गई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे अचानक से याद आया कि नहीं यार मैं तो यहाँ ले आई थी, क्योंकि कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी, तो हमेशा अपने साथ अपनी अपनी कुंजी संभाल के रखा करो कि तुमने क्या क्या किया है, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से रिलेट होती है। आपको एक एजुकेशन के लिए दूसरे का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, हर चीज़ के लिए चाहिए होता है, तो इसलिए इसको लेके जाऊँगी। जी लेके आना, हेलमेट पहन नहीं रहा, देख रहे इतना गंदा है, ये पहले भी नहीं पहनता था। हम तीनों, मतलब मैं मोनिका और पंकज, हम तीनों ने स्कूल में एक साथ पढ़ा रखा जब हमारी इंटर्नशिप हुई थी,
तो हम लोगों की दोस्ती तब से है, हम लोगों ने 3 महीने तक लगातार स्कूल में पढ़ाया है। लोग यहाँ पे वॉलीबॉल बास्केटबॉल वगैरह खेलते थे बीएड के टाइम पे। और जो सामने कॉलेज है यहाँ पे आजकल एग्जाम चल रहे हैं, मतलब कॉलेज वालों के। क्या बोल रही है? आ रहा है वो अभी, आ रहा है। तो पहले हम लोग संचाई के लिए यहाँ पे फॉर्म भरने वाले हैं। इसमें क्या क्या है? खाली नाम है। और ये खेल वेल क्यों है? अधेय प्रमाण पत्र, मतलब अच्छा कि जो अभी तक उन्होंने हमको प्रमाण पत्र नहीं दिया है किसी भी खेल वगैरह में हम रहे होंगे, तो शायद वो मिलेगा, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। लास्ट सेमेस्टर की चीज़ ने ये बता, ईमेल दी नहीं अभी। यहाँ देखो फाइल के अंदर क्या मिला, ये मेरी 9th की फोटो है, ज़्यादा अंतर नहीं है ना। परफेक्ट एकदम। तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो? दोनों सिल्ला गांव के ही हैं? हाँ, तुम कहाँ के हो? तुम कंडारा के हो? अच्छा, जुलाई। अच्छा ठीक ठीक। जिस चीज़ के लिए चारों तरफ भटक रहे हैं, मतलब बुक्स के लिए, इस ये कुछ किताबें ले रही है वो नहीं मिल रही हैं, लेकिन अलग अलग काम मिल जा रहे हैं। कोई सर कह रहे हैं एक चार्ट बना दो, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। खाली जहाँ जा रहे हैं वहाँ से हमें एक काम मिल रहा है, या फिर वहाँ से कुछ और लोड मिल रहा है, अपने कुछ पुराने काम याद आ रहे हैं। इनकी पढ़ाई हो रही है या फिर वो चल रहा है एग्ज़ाम? ऊपर इनकी पढ़ाई हो रही है यहाँ पे। और इसको देखो, ये प्लांट चोरी कर रही है यहाँ। कह रही कोई एक पौधा मिल जाए। एक आदमी और भी है ऐसा, जहाँ जाता है प्लांट चोरी करता है। ले सकते हैं ना? वैसे तो हमारा कॉलेज ख़त्म होने वाला है, इसका हो गया, मेरा इसी साल होने वाला है, तो हमको किताबें नहीं मिल रही थी, लेकिन बड़े संघर्ष के बाद हम लोग किताबें ले आए हैं। मतलब भरोसा दिला के कि सर वापस करा देंगे नोट्स बना के, तो मैं तो ले आई अपने लिए। अब पढ़ना न पढ़ना वो पता नहीं क्या है, माहौल पे बात है, लेकिन किताबें तो ज़रूर चाहिए थी। सुन, मेरा सामान लिया यहाँ से? वही तो, ब्लॉगर पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ मेरे बगल पे ब्लॉग बनाते रहेंगे और पढ़ेंगे। जैसे लोगों का होता है ना कि बगल से गुजरो तो देखते रहते हैं और कुछ बातें बोलते रहते हैं, तो कह रहे लोग कि ब्लॉगर पढ़ते भी हैं। हमारे लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि ब्लॉगर नल्ले होते हैं, वो कुछ नहीं करते। अरे ब्लॉगिंग क्या होती है? अपने काम के साथ साथ आप लोगों से साझा करना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है लोग पढ़ते नहीं है। हालांकि मैं नहीं पढ़ती, लेकिन लोग तो बहुत पढ़ते हैं यार। अब गौरव तनेजा को देखो आप, इतना खतरनाक आदमी हो, इतना पढ़ते हैं लोग। क्या बोल रहे हैं? हाँ वही तो, क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ भाई, बहुत खेला हुआ है। चलते हैं चलो कुछ देर। हम लोग जब बीएड में थे हम टीटी वगैरह बहुत सारे गेम्स खेलते थे, तो ये कह रहे हैं अभी भी खेलने चलते हैं। ये हमारे आज का दिन का प्रोग्राम था, मतलब हम लोगों ने वहाँ अपनी संचायिका के लिए भी कागज़ जमा करा दिए, मतलब फॉर्म वॉर्म। और आप लोग पूछ रहे होंगे ना कि किस चीज़ की किताबें हैं, ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, और भारतीय अर्थव्यवस्था की किताबें, ये दोनों इकोनॉमिक्स की हैं। और ये है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और ये है इंटरनेशनल लॉ। तो ये चारों किताबों की मुझे ज़रूरत है। देखते हैं कि पढ़ते नहीं पढ़ते, लेकिन ले जानी थी, क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि किताबें लेके जाऊंगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ की किताबें हमारे लिए तो है, कौन सी किसके लिए। हाँ, 120 रुपये किलो के टमाटर आजकल। ये सब्जी लेते हो टमाटर गिरा रही है, मैंने कहा टमाटर जी की इज्जत कर ले आजकल। मैं इसके बाद डूम पे चले गई थी, लेकिन फिर आई हूँ और एक छोटे से चेकअप के लिए हॉस्पिटल। लेकिन यहाँ तो हॉस्पिटल में आना इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, कोई है ही नहीं। मतलब अभी 3 ही बज रहे हैं सिर्फ, और मैं एक दिन से आई नहीं, मेरी कोई छोटी सी प्रॉब्लम थी, और अब कोई भी नहीं है यहाँ पे। जब भी आओ तब भी कोई कहता ना ड्यूटी में, कोई कहीं, कोई कहीं, इमरजेंसी के लिए खुला हो, इमरजेंसी के लिए भी कोई डॉक्टर नहीं है। वैसे तो मेरे आजकल चल रहे हैं एग्ज़ाम, लेकिन एक चक्कर मार के डाओ पूरा दिन कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चल रहा है। मतलब सुबह भी कॉलेज गई थी, अभी यहाँ पे आ गई, और पूरा दिन खत्म हो गया। ऐसा लग रहा है कि अब एक ही दिन तो रह गया एग्ज़ाम के लिए। तो कल तो हमारे हॉस्पिटल में काम हुआ नहीं, इसलिए हम लोग दोबारा से आज जा रहे हैं। आज सुबह सुबह हम लोग 9 बजे निकल गए, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है सुबह सुबह, तो हम लोग 9 बजे ही निकल गए, ताकि 10 बजे तक हमारे काम हो जाए। क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा था कि मार्केट हम लोग जा रहे हैं, तो पूरा दिन ऐसा ख़त्म हो रहा है कि बर्बाद हो जा रहा है। तो मैं और मोनिका जा रहे हैं मार्केट, कह रहे हैं कि हम लोग जल्दी आ गए, लोग घास लेके भी आ गए। ये देखो पीछे लोग पता नहीं कितने दूर गए होंगे घास लेने के लिए, घास लेके भी आ गए। और हमारे मेरे लिए 9 बजे ऐसा हो रहा है कि आज मैं जल्दी आ गई। फिर हम लोग टाइम से पहुंच गए हॉस्पिटल, और यहाँ पे थी बहुत ज़्यादा भीड़, क्योंकि ऐसा सुनने में आया, क्योंकि मैं पहले भी नहीं आई थी और मैंने इतनी भीड़ देखी, तो ऐसा सुनने में आया है कि 26 साल बाद यहाँ हॉस्पिटल में कोई सर्जन आया, इस वजह से यहाँ पे इतनी भीड़ हो रखी है। यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन जब से यहाँ पे डॉक्टर आए तो यहाँ पे अब ज़्यादा भीड़ हो गई है। मतलब कुछ टाइम से यहाँ पे मतलब अल्ट्रासाउंड और जो भी फैसिलिटी होती है वो सब पूरी होने लग गई है, मैंने ऐसे सुना। तो अब डॉक्टर पूरे आ गए, तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, मतलब
चीज़ मतलब बड़ा हॉस्पिटल नहीं है और लोग इतने ज़्यादा हैं तो दिक्कत हो रही है। लगभग 2 से 3 घंटे तक डॉक्टर के लिए संघर्ष करने के बाद मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग चले गए थे यहाँ से, क्योंकि डॉक्टर से मिलने के लिए उसको भी थोड़ा सा एक छोटा सा चेकअप कराना था और मुझे भी, तो डॉक्टर से मिलने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद आए हम लोग थोड़ा सा सुनार की दुकान में, वहाँ पर मेरी फ्रेंड को कुछ लेना था ताबीज़ वगैरह, तो कुछ इन्जॉय करने के बाद आया एक गाड़ी वाला, उसका समझ में नहीं आ रहा था कि बोल क्या रहा था, हाँ बोल रहे कि ना बोल रहे हैं पता ही नहीं चल रहा कुछ। उधर से चल क्या, हाँ बोला हाँ। उसे तो फिर पूरे दिन भर अपनी ऐसी तैसी कराने के बाद, पूरा दिन भर हॉस्पिटल में लगाने के बाद 1 बजे हम लोग वापस आ रहे हैं और मेरे को दुख हो रहा है। खैर मैं रूम पे भी रहती, तभी पढ़ती नहीं, तो फिर हाँ।